नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि 1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2 को सरल कीजिए। ठीक है, प्रश्न थोड़ी देखने में अटपटा है लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न आया है और बहुत सारे बच्चे इसके स्वरूप को देख के इसको छोड़ के जाते हैं। तो देखने में यह जितना कठिन आपको दिख रहा है लगाने में उतना ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है वह आपको हम बता रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वह सॉल्व हम कहां से करते हैं? यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट से। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां क्या लिखा है? 2 - 1/2। तो पूरा हम जेवकत्यू लिख रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1 + 2 + 1/2। ठीक है, यहां क्या लिखा है? 2 - 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 4 - 1, यानी आंसर यहां से कितना निकलेगा? 3/2 निकलेगा, यही निकलेगा। ठीक है, अब तीसरा जब बटे आ जाता है तो उसको हम भेज देते हैं ऊपर। तो ये 2 कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा यहां पर। अब कौन सा पार्ट सॉल्व होगा? अब यह वाला पार्ट सॉल्व होगा। अभी यह वाला पार्ट सॉल्व हुआ था, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी को हम लिख लेते हैं। अब यहां कितना है? 2 + 2/3 है। यहां 1 लिया, 3 एलसीएम आया, 3 × 6 + 2 = 8, 8/3 यहां से आ। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो क्या आया यहां से? 8/3 आया। तो हम यहां लिखेंगे 8/3, लेकिन ये 3 कहां जाएगा? ऊपर वाले भाग में जाएगा। तो इसको हम यहां से हटा के और यहां भेज दे रहे। अब किसको सॉल्व होना है? अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व होना है। ठीक है, यहां पर क्या है? 2 + 3/8, 8 × 16 = 16, 3 कितना होता है? 19/8 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/19/8। अब यह 8 भी 3/3 है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या आ जाएगा? 8/19, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया जो आया, उसके बाद दूसरे पोर्शन को सॉल्व किया, फिर तीसरे पोर्शन को सॉल्व किया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो बस इतना ही इसका तरीका है कि हम यहाँ इसे को नीचे से सॉल्व करते हैं। जहां पर कैलकुलेशन हो सकती है, पॉसिबल है, वहां से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, लगा के आना है। लगाने का तरीका यही है कि जहां पर कैलकुलेशन पॉसिबल है वह आपको कैलकुलेशन कर देना है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।